और आप देख रहे हो जीजी वर्ल्ड चैनल। ये मैंने एक डिस्प्ले भी लगाया है, थैंक यू 3000 सब्सक्राइबर्स, स्पेशल थैंक्स जीजी वर्ल्ड फॉर मेंबर्स, इसका मैंने डिस्प्ले भी लगा दिया। अच्छा लग रहा है ना? चलिए, नहीं भी लग रहा है तो बात नहीं, आपको बुरा लगा अच्छा लगा फिर भी तो कर। चलिए, मैं आपको जो मेरा काम है वो करने के लिए शुरू हो जाते हैं, चलते हैं अपने जो मैं बताना चाहता हूँ। चलिए चलते हैं। चलिए, आपको करना क्या, नॉर्मली आपको खोल लेना है क्रोम या कोई ब्राउजर खोल लीजिए, वहाँ पे टाइप करना है www.sarkariexam.com। क्या टाइप करना है आपको, एक पेज खोल लेना है, वहाँ टाइप करना है www.sarkariexam.com, खोल लेना है। और जैसे ही आप खोलोगे तो उस पर एक इंटरफेस आता है इस टाइप का, देख सकते हो ये इंटरफेस खुलता है। ये आपको लिखा हुआ है sarkariexam.com अपडेट, सबसे पहले ये लिखा हुआ आता है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा आज, तो बताने वाला हूँ सीआईएसएफ का जो फायरमैन का जो आदमी दौड़ निकाल लिए है, फिट होके आए हैं, जो फिट होके आ चुके हैं उसके लिए, तो वो क्या चीज़ कैसे तैयारी करें। तो तैयारी तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे करना है, लेकिन कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सिलेबस हैं, जो आपको मैं आपने जरा बता सकता हूँ कैसे आप कहाँ से, जैसा कि पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे, मैंने तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैं रह रहा हूँ और पटना में अवेलेबल फिलहाल बुक्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत कैंडिडेट ऐसा जो है, जैसा कि मेरे कुछ वीडियो में जो चला था उसमें कमेंट्स आ रहा है कि सर बुक्स नहीं मिल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, लेकिन मैं उस चीज़ को अब बताता हूँ कहाँ से। फिलहाल आपको नॉर्मल तैयारी करना है, तो आपका करना है आपको नॉर्मली एक वेबसाइट मैंने बता दिया है सरकारी एग्जाम करता हूँ, उस पर आ जाना है। और करना क्या है कि आपको मैं बता देता हूँ कि जाना है, कहाँ जाना है, एडमिट कार्ड पे, एडमिट कार्ड पे जैसे ही आप आते हो नीचे में जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे में यहाँ लिखा हुआ आता है सीआईएसएफ फायरमैन एडमिट कार्ड, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये आया ना, इस पर क्लिक कर लीजिए। ऐसे मैं इसका जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको वहाँ तक पहुँचने में कोई देरी मतलब समस्या ना हो। बोलते हैं किस तरह का इंटरफेस खुल जाता है और इसको आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आइएगा तो ये तो इसके एडमिट कार्ड के बारे में, लेकिन मैं आपको जो बताऊँगा जो पता चाहता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास नहीं है और नहीं बुक्स मिल रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका तैयारी कीजिए। अगर आपके पास बुक्स हैं उससे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके लिए जरूरी है, फायदेमंद वाली बात है, क्योंकि अगर आपने दौड़ निकाल लिया है तो और फिजिकल आप में पीटी फिट हो चुके हो बिल्कुल, आप पहले इसको देखिए प्रीवियस क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे लिखा हुआ रेड कलर के में प्रीवियस ईयर पेपर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर आप क्लिक करते हो एक इस तरह से खुलता है और नीचे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ है ना वन नेशन वन एग्जाम गेट सीटी, इसको छोड़ दिए नीचे आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेनमेंट पेपर सेट वन विथ आंसर एंड हिंदी लैंग्वेज, यहाँ डाउनलोड है यहाँ सिलेबस, जैसे कि तो आपको आप इसका भी तैयारी कर सकते हो फायरमैन के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि आप ना कर सकते हो, इसको भी तैयारी कर सकते हो। आप ये एक चीज़ यहाँ नीचे देखिए, अगर आपको अगर आप प्रॉपरली अगर चाहते हो कि कांस्टेबल फायरमैन का ही मैं तैयारी करूँ तो नीचे देखिए सिलेबस में रखा है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर पोस्ट के लिए, यहाँ आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्लिक कर देना है, चलिए आपका डाउनलोड हो रहा है। मैं इसका लिंक अपने मतलब इसको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आप डायरेक्ट इस पेज पे भी आ सकते हो डायरेक्ट मतलब बिना कोई सोचने के। देखिए पर लिखा हुआ है ACCISR 2010 and 11 का इस पे क्वेश्चन मतलब दिया गया है, तो देखिए बेटा इस पे जैसे तो दे रखा है शायद ये देखिए है ना, कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं लग रही मुझे, बट नॉर्मल है, चलिए हो गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही कठिन है, मेरे लिए पैसा नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस पर पढ़ा। चलिए तो यहाँ से 40 पेज का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो दो दो क्वेश्चन है, यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको उधर डीप पे लेके नहीं जा रहा, नहीं उतना मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ से आप आके अपना प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस ले सकते हो, पढ़ सकते हो, और आप 70% 30 जो भी एग्जाम जो नंबर्स आते हैं वो ला के आप सीआईएसएफ का जॉब ले सकते हो। भाई मैं तो ऑलरेडी हाइट बेस होके आया ही हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं है, आपको यही बताने को बचा है, क्यों असनावत बिल्कुल भाई बता दे रहा हूँ, गुस्सा आ जाता है भाई हाई टेस्ट होकर आया। चलिए आगे चलते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से एक ऑप्शन था, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, और यहाँ से ये जो है यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मुझे ये समझता है कि आप ट्रीटमेंट का भी क्वेश्चन सेट बना ही लेना, कोई सा उतना एक दो 40% 50% सेट हो गया 100% भी बना लेना, हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन से मिलता जुलता आए, क्योंकि सीआईएसएफ का है तो हो सकता है आ जाए। दूसरी बात की अगर आपको यहाँ से कहना है इस पे फिर जाते हैं इस पेज पे, यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, इस पे भी आप क्लिक कर लीजिए, आप यहाँ से भी एग्जाम पैटर्न के विषय में जान सकते हो और डायरेक्ट फिर आप उसी पेज पे चले जाओगे,
करना क्या अधिक कुछ नहीं करना है, आपको सीधा किसी एक पेज पे आना है जिसके मैं किसी एक पेज का लिंक डाल दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्लिक करके यहां आ सकते हो और यहां से इस पेज का भी लिंक दे दूंगा, जो वहां से यहां नहीं आ सकते इस पेज का भी लिंक दे दूंगा और एक सिलेबस का भी लिंक दे दूंगा, इसका जो है सिलेबस है ये जो 500 सिलेबस है मैं इसका भी लिंक दे दूंगा अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप आसानी पूर्वक तैयारी कर सकें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और आपके फायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरा फायदा अभी कुछ नहीं होता है क्योंकि देखिए ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना ही व्यूअर्स कुछ आते नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल मैं दोस्तों को चाहूँगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और लास्ट एंड तक देखिए, मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर कीजिए, फिर बता रहा हूँ शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर दबा देना ताकि मैं कोई वीडियो चलाऊँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले और आप उसे सारी मतलब देखो और मेरा नया अपडेट जो मैं भी जो भी वीडियो चलाऊँ वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।